शानजी त्यांनी हे गाणं गायलंय आणि मराठीत पहिलंच गाणं त्यांचं असं म्हणता येणार नाही, पण 25 वर्षात त्यांनी गणपतीचं पहिलं गाणं केलंय म्हणून त्यांच्यासाठी एक आपण त्यांचे काय मनोगत ते जाणून घेऊया. धन्यवाद गणेश. माझा असंच मनात एक प्रश्न होता का आता गणपतीचं गाणं किती वर्ष झालं आणि मला फारच आवडतंय असं जब भी हम लोग गणपती जी का जो विसर्जन होता है उससे पहले का जो 15-20 दिन का जो मस्ती होता है कई बार ऐसा लगता था इस जोश में अपना भी कोई गाना शामिल हो जाए. मैं बहुत ध्यान से सुनते रहता था लेकिन मेरा कोई गाना बजता नहीं था इसमें, तो दिल में था कि कभी ना कभी एक ऐसा गाना बनाए कि जब सारे हमारे पूरी जोश में जो यंगस्टर्स निकलते हैं या फिर गणपति जी के नाम पर जब सब जोश में आ जाते हैं तो ऐसा कोई गाना हो. तो मैंने गणेश जो मेरे साथ अभी लगभग एक वर्ष झाला होता गणेश आणि गणेश माझा इंजिनियर आहे, माझा साऊंड इंजिनियर आहे माझ्या स्टुडिओमध्ये, आणि मी गणेशला असं म्हटलं की काहीतरी असं करूया का, तो गणेश बोलला कमाल कर रहे हो भैया मेरे पास ऐसा गाना है, मेरे पास ऐसे एक एक खास मेरे दोस्त है जो काफ़ी दिनों से हम लोग गणपति के गाने बना रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे इसको आगे बढ़ाएं. तो मैंने बोला ताबड़तोब माला काहीतरी ऐकायला दे, आणि फिर दो तीन गाने सुनाए उसमें से किसी का कुछ किसी कुछ मिला के लगा के ये जो जोश होना चाहिए. और गणेश कई पहला एज अ कंपोजर ये पहला उनका गाना है गणेश, हाँ या तक का प्रथम गीत एज अ कंपोजर. बट गणेश हैज कंपोज्ड अ लॉट ऑफ वंडरफुल, जो पथक में जो अलग अलग बोली होते हैं ना ढोल पे, तो उस तरह के डिजाइन करके उनके पास बहुत सारे 100-150 उनके का तो है 25 साल का ही उम्र का है लेकिन 6 साल से ये करता आ रहा है और अच्छा खासा नाम कमाया है मुंबई में. स्वस्तिक गर्ल उनका जो ग्रुप है काफी पॉपुलर है, बहुत सारे बड़े बड़े जो पथक में उनका नाम लिया जाता है, तो मैंने कहा कि उसको भी जोड़ना चाहिए. तो गणेश ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर जोड़ ही रहे तो सिर्फ मेरा पथक क्यों, मैं कोशिश करता हूँ कि बम्बई के जितने बड़े ढोलीज हैं, जितने बड़े लेजेंड ढोल्स हैं, उनके बड़े बड़े ग्रुप के बड़े बड़े प्लेयर को एक साथ लेकर इस गाने को करेंगे तो कुछ और नई चीज होगी कि गणपति जी के नाम पे सारे मुंबई के जो ढोल पथक वाले हैं वो सब साथ में हो जाएंगे. तो इसी प्लानिंग के साथ हम लोग बोले कि अगर 7 पथक आ रहे हैं तो फिर उतना ही जोश होना चाहिए गाने में, उतना ही ढोल बजना चाहिए. अब मुंबई में स्टूडियो इतना बड़ा कहाँ मिले, तो एक स्टूडियो मिला हमें एनसी स्टूडियो, जहाँ 15 ढोली एक साथ, जब आप मेकिंग देखेंगे आप देखेंगे कि सब अलग अलग पथक के 15 ढोली एक साथ रिकॉर्ड किए. उसके बाद ढोल, पंजाबी ढोल, ताशा, मतलब पूरा 12 घंटा सिर्फ रिदम की रिकॉर्डिंग चली वहाँ, और बहुत जोश में पूरा गाना हुआ है. ये बात सही है कि जोश में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो गया, आपको थोड़ा सा लेटली आमंत्रित किया होगा क्योंकि अचानक याद आया कि जल्दी जल्दी करना है. तो फिर भी आप सब आए, थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पहुँचे हैं एंड वी आर बीइंग एबल टू रिलीज द सॉन्ग टुडे. तो मैंने सोचा कि कैसे रिलीज करें, कौन से कंपनी को अप्रोच करें, सारे कंपनी बहुत एक्साइटेड हो गए. फिर मुझे लगा कि श्री गणेश करे, मेरे ही यूट्यूब चैनल को इसी गाने के साथ शुरू करता हूँ. वैसे अभी माता भाई आता अगले महीने में पूरा 45 का हो जाऊंगा और यूट्यूब ये सब यंगस्टर्स का मीडियम है, लेकिन तो मुझे इतना दिल नहीं था कि अभी फिर से बैठ के फिर एक नया रैट रेस में भागना शुरू करूँ. यूट्यूब में कितने सब्सक्राइबर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सेलेक्ट माई वीडियो ऑन यूट्यूब करने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन पता चला कि यही आगे का जो भी होने वाला है, यूट्यूब इज द वे अहेड. सो यूट्यूब चैनल तो करना था, साथ साथ श्री गणेश भी करना था. तो मला वाटलं मी मुंबईत माझा जन्म आणि माझा सर्व जिंदगी इथंच आणि असं वाटतंय मृत्यू पण इथेच आहे माझं, तो पूरी जिंदगी जब यही है तो क्यों ना हम मराठी गाने के साथ ही शुरू करें और श्री गणेश करे गणपति जी के गाने के साथ. तो उस तरह से ये पूरी प्लानिंग हुई और आज इसी गाने को हम अपने मेरे सिंगर शान यूट्यूब चैनल को इसी गाने से शुरू कर रहे हैं. तो बस आप सबका प्यार, आशीर्वाद और साथ चाहिए कि ये गाना आप सब बहुत पसंद करेंगे और इस साल जितने जितने जहाँ जहाँ गणपति जी का जहाँ जहाँ आरती हो, जहाँ जहाँ मटक लगे, अपना गाना भी वहाँ बजता रहे. और जरूर वो तो चाहिए. गणेश यहाँ से नाव पण गणेश है, गणेश सुरवे हम सब प्यार पण गणेश गारगोटे साहब बता. तो बहुत सारे गणेश जी के साथ और भी काफी गणेश जुड़ गए हैं मेरे साथ, ये अच्छी बात है. लेकिन सबसे पहले जिन्होंने सबसे ज्यादा हमें साथ दिया, गणेश जी से शंख, गणेश शशांक
या शशांक ने इस चीज की शुरुआत भी की और शशांक से ही इस चीज की मतलब को अंजाम भी दिया क्योंकि लिरिक्स से शुरू हुआ था शब्द येणार सामना ओळी येणार त्याच्या नंतरच त्याचं संगीत आणि सगळं असं तो लिरिक्स शशांक कोण विल करले लिखा है कोण विल कर शशांक शशांक आता तुम्हीच म्हणा तुमचं मनात काय आहे तुम्हाला काय बोलायचं आहे महत्वाच्या गोष्टी काय महत्वाच्या गोष्टी म्हणायला लागतील नमस्कार मी शशांक कोंडविलकर ऍक्च्युली मी 10 वर्षापासून लिहितोय मी 10-12 वर्ष झाली लिहितोय पण जो एक काय म्हणतात ते एक टर्निंग पॉईंट असतो तो टर्निंग पॉईंट यायला मला 10 वर्षाचा अवधी यावा लागला आणि ते सगळं शक्य झालं ते माझा मित्र गणेश सुर्वे आहे त्याच्यामुळे शक्य झालं आम्ही काहीतरी म्हणजे थोडंफार लिखाण त्याच्यानंतर त्याचं कंपोजिंग हे चालू होतं वर्षानुवर्ष पण एक ब्रेक जो मिळायला हवा होता तो ब्रेक काही मिळत नव्हता अनेसे शानदांना युट्यूब चॅनल ओपन करायचं होतं आणि त्यासाठी सुरुवात ही श्री गणेशाने करावी असं दादांनी सांगितलं मग सुरुवात झाली त्या जर्नीला की गणपतीचं गाणं करायचंय तुम्हाला तर माहिती आहे की गणपतीची गाणी बरीचशी आता म्हणजे आता याही सीझनमध्ये भरपूर गणपतीची गाणी आली आहेत मग आपण काय वेगळं देऊ शकतो हे महत्वाचं होतं आमच्यासाठी की हर टाइम अलग अलग गाणे आ रहे बाप्पा के तो आम्ही काय आपण काय नवीन देऊ शकतो हा विचार केला आणि त्यानंतर ह्या गाण्याचा जन्म झाला माझा बाप्पा श्री बाप्पाश्री मध्ये सुरुवातीला असं होतं की आम्ही फक्त फोनवरच बोलवतो इवन आम्ही रेकॉर्डिंगला पहिल्यांदा शांदा आणि मी भेटलो त्याच्या आधी आम्ही फक्त फोनवर बोलत होतो की असं पाहिजे हे गाणं असं मुळात शांदांच्या घरी स्वतःचा स्टुडिओ असल्यामुळे प्रत्येक वेळी ते R&B प्रकार जो होता तो आम्ही करत होतो एक्सपेरिमेंटल सगळं चालू होतं आणि त्याच्यातूनच मग ह्या गाण्याची निर्मिती झाली तर मग मला वाटतं आधी आपण दाखवूया तर गाण्याची अजून पुढे त्याची जी जर्नी आहे ते आपण मग नंतर हा की त्यामध्ये आम्ही काय मांडण्याचा प्रयत्न केलाय तो आपण नंतर बोलूया चालेल ना तुम्हाला तुमच्या मनात काहीतरी प्रश्न आहे समोसाला मला नाही भट तुम्हाला तिथे चांगलं आहे का नाटकाचं ते पण आहे त्याच पुन्हा आम्ही पुन्हा एकदा ट्रेलर नाही इस बार पूरा गाना सुनते हा और दोस्तों एक और गम्मत सा गोष्टी आहे जैसे मैं आपको कह रहा था शुरुआत भी इन्होंने किया और अंत भी इन्होंने किया इस गाने की जो पूरी वीडियो एडिटिंग प्रोसेस भी जो पूरा है वो भी इनके दोनों दोस्तों के साथ शशांक ने ही किया है तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है गणेश ने न सिर्फ म्यूजिक किया है इस पूरे म्यूजिक को सजाना पूरा अरेंजमेंट रिदम सेक्शन उनके साथ उनके जो भी उनके फ्रेंड्स है सब आके तो दोनों के बीच में पूरा गाना हो गया है और क्या जोश हुआ है आप खुद देखिए सुनिए मजे लीजिए ऐकूया आणि बघूया आपण आणि तुम्हाला खरं वाटणार नाही खूप 11 तारखेला हे गाणं बनलेलं आहे मुळात कारण अवधी आमच्याकडे खूप कमी होता आणि शांदाने सांगितलं की आपल्याला करायचं आहे बाकी आम्हाला माहित नाही वेळ खूप कमी होता त्याच्यामध्ये पण सगळे म्हणजे बाप्पाचं गाणं असल्यावर त्यात मला वाटतं कुठेच अडचण येत नाही आणि तसाच प्रकार झाला आणि डे नाईट कामं करून सुद्धा म्हणजे डे नाईट काम चालू होतं गाण्याचं म्हणजे म्युझिक पासून एडिटिंग पासून सगळ्या गोष्टी शूटिंगचं पण तुम्ही बघाल सगळं फुटेज जे आहे त्यासाठी पण दिवस रात्र मेहनत घेत होती म्हणजे आगमनाचे शॉर्ट्स असतील किंवा बाकीचे जे शॉर्ट्स आहेत ते सगळे शॉर्ट्स घेण्यासाठी बरेच जणांनी मेहनत केली तर त्या संदर्भात गणेश तुम्हाला सांगेलच मुळात सुरुवात झाली ती शशांकने लिहिलं त्यानंतर कंपोज झालं माझ्याकडूनच कारण बाप्पाचं गाणं ते स्वतःहून कोण करत नाही ते देवाची कृपा असते बाप्पाची कृपा आहे ते झालं गाणं त्यानंतर झाला आम्ही रेकॉर्डिंग साठी सुरुवात करायची होती पथकांना बोलवायचं होतं सगळ्यांना आणि जसं दादांनी सांगितलं की एक पथक नाही तर मी विचार केला होता की बाकीचे मुंबईतली जी प्रख्यात पथकं आहेत त्यांना बोलवून त्यांच्याकडून करून घेतलं तर बरं पडेल कारण कसं असतं की ढोल पथकांचं फक्त गणपतीचंच नाव होतं तर ते असतं की गणपतीतच बोलवतो मग या गाण्यासाठी का नको असा विचार आला आणि म्हणून आपण पहिलं म्हणजे नावं सांगतो तुम्हाला गिरगाव ध्वजपथक गजर जगदंब कलेश्वरनाथ राजमुद्रा आणि स्वस्तिक अशी 6 पथकांनी एकत्र येऊन पहिल्यांदा वादन केलं आणि रेकॉर्डिंगसाठी वादन केलंय त्यामुळे त्यांचे तर मनपूर्वक आभार कारण त्यांच्याशिवाय झालं नसतं हे काम प्लस लाईव्ह रिदम जे म्हणजे कोण हडकर शशांक हडकर
रत्नदीप जामसांडेकर आणि आदित्य सालुसकर यांनी पूर्ण लाईव्ह रिदम केला. त्यानंतर व्हिडिओसाठी सिनेमॅटोग्राफीसाठी नितीन पाटील, पराग सावंत आणि रोहित वैती यांनी पूर्ण धुरा सांभाळली. एडिट मध्ये जसं की शशांक, मिलिंद हेबळे आणि प्रशांत कोंडविलकर असे तिघांनी या पूर्ण व्हिडिओचा पूर्ण धुरा सांभाळली होती. बाकी सगळं तर प्रशांत शशांक सांगेल सुमारे. नाही आमचं हेच मनात तेच गोष्ट होतं की बाप्पा आम्ही सर्वांचा आहे. कोणाचा घरात त्यांचा लहान मूर्ती आहे आणि त्यांच्या परिवारमध्येच श्रद्धापूर्वक त्यांचं 1.5 दिवसाचं सेवा होत आहे. ते पण तिथंच मतलब वहा भी उतना ही श्रद्धा भक्ति के साथ बाप्पा उतना ही प्रसन्न है जितने की कहीं जहाँ बहुत बड़े तादाद में उनका सेवा हो रहा है. तो उसी कहना था कि सब एक दूसरे के मदद में ही रहे, सब एक दूसरे को हेल्प करें. जो बड़े बड़े संस्थाएं होते हैं कहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ का बाप्पा सबसे बड़ा है, कोई कहता हमारे यहाँ का बाप्पा सबसे बड़ा है. ये कि सब जगह बाप्पा उतने ही है और हर कोई एक दूसरे का साथ दे और जहाँ भी हो उतना ही श्रद्धा भक्ति से हम बाप्पा का दर्शन हो सके, ये अगर हर कोई प्रयत्न करे. ना कि एक दूसरे के साथ भांडण नहीं करायचं आणि एकत्रित राहायचं जैसा कि होता आ रहा है इतने सालों से मुंबई में, पुणे में, जहाँ भी हो रहा है. तो ये तो चमत्कार है जो बाप्पा खुद ही करते हैं और ये ऐसा ही चलता रहे. ना कि इसको हम अलग अलग गली बोड़ाना है ना, अलग अलग घोड़ी में बांट ले तो इस तरह से है. साथ साथ दोस्तों जैसे आपने वीडियो देखा, मैंने भी पहली बार इस वीडियो को देखा और अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर जो लिरिसिस्ट है वो खुद अगर वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत कमाल का होता है, क्योंकि वो समझते हैं एक एक शब्द क्या वो कहना चाह रहे हैं और वीडियो में क्या दर्शा सकते हैं. तो उस वजह से बहुत ही अच्छा बना. अगर हम बहुत बड़े किसी वीडियो को भी दे देते ना, वो अपने आर्टिस्टिक इसमें चले जाते हैं और वीडियो किसी और दिशा में, गाना किसी और दिशा में जाता है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि शशांक ने वीडियो को खुद एडिट किया, खुद दोनों मिलकर दोहा भारत टैलेंटेड है. दोहा साठी मैं चाहता हूँ आप सब जोरदार ताली बजाए. क्या जाता कि हम लोग को लगता है कि चलो घर का ही है यार, क्या है, वहां ढूंढते रहते हैं बड़े बड़े. आज वैसे बड़े बड़े की बात चल रहा है तो आज हमारे अजय अतुल जी के, अजय जी का जन्मदिन है. तो और कहीं कहीं काफी हद तक हमारे जो गणेश है वो अजय अतुल से काफी इंस्पायर्ड भी है. तो आई थिंक इट्स अ गुड डे दैट वे ऑल्सो टू रिलीज दिस सॉन्ग. और साथ साथ जो लाइव म्यूजिक की बात हो रही है आजकल, ज्यादातर अगर आप देखें तो कीबोर्ड और मतलब लाइव म्यूजिक बहुत कम हो रहा है, डीजे म्यूजिक ज्यादा होता है. तो वो भी हम कर सकते थे कि आज के ट्रेंड के हिसाब से डीजे म्यूजिक करेंगे, लेकिन चाहता था कि लाइव म्यूजिक का जो मैजिक है वो लोगों तक पहुंचे, जो समझे कि वो सैंपल ढोल और असल ढोल में क्या फर्क है. क्योंकि आप जब सुन रहे हैं आपको साउंड का फर्क तो पड़ता होगा, यू कुड फील द पावर ऑफ लाइव म्यूजिक. तो ये सारी चीजें हुई हैं. बाकी हम चाहते हैं कि आप ही कोई काहीतरी प्रश्न काहीतरी करा हमारा मना वाला असं वाटेल की आम्हाला बस असंच आम्ही बोलत जातात बोलत जातात. हा ते आमचं भाव म्हणा म्हणा. सर, एव्हरी सॉन्ग इज अ न्यू चॅलेंज फॉर यू अँड इट ऍड्स अप अ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर स्ट्रॉंग आवाज येतात. सर, एव्हरी न्यू सॉन्ग इज अ चॅलेंज बिकॉज युअर प्रिव्हियस सॉन्ग्स हॅज बीन अ हिट and people expect the expectations of people increase. So what keeps you motivated to take up all these challenges? Very good question. Aur main aapko batau ki sabse challenging ab tak ka agar koi gana maine gaya hai to ye hai Majha Bappa Shree. Aur ye mujhe nahi pata tha ki mere hi ghar mein mere upar hi itne atyachar ho raha. Ganesh jab gana banaya to phir ek scale theek hua, phir jab dhol bol डब होना शुरू किया, बोला दादा इतना पावर है ढोल में कि जब तक हम ऊंचा स्केल में नहीं जाएंगे वो उतना कट थ्रू नहीं होगा. तो ए से बी से सी से जाके हम डी स्केल पे जाके पहुंचे. डी मतलब भारत डेंजर माला माजा आवाज था. डी स्केल मध्ये गाया सर ऐसे नोट जो मैंने कभी गाया नहीं और उसके ऊपर टेम्पो 160 मतलब बहुत फास्ट. एक लाइन खत्म नहीं होगा दूसरा लाइन शुरू हो गया. तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा. 2-3 बार मैंने गाया गाना तब जाके बना. लेकिन लाइक यू सेड विदाउट अ चैलेंज देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनीथिंग न्यू. कुछ नया कर रहे हैं तो उसमें कोई चैलेंजिंग होना चाहिए, नहीं तो मतलब ही क्या है कुछ करना. सर, आल्सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू अडैप्ट टू द मराठी लैंग्वेज बिकॉज़ यू हैव सन ऑल हिंदी सॉन्ग्स और
Bengali as well, but Marathi was a new language for you. You've sung a Marathi song before, but this was we can say shuddha Marathi. तुम्हाला वाटतंय ना माझं मराठी शुद्ध होतं ना असं? येस सर. असं नाही वाटतं की बंगाली मराठी मध्ये काहीतरी करत आहे. नो सर, नॉट एट ऑल. वैसे मैं स्कूल में तो मराठी सीखा हूँ और लेकिन त्याच्यानंतर माझं मराठी बोलायचं सवय गेलंच. माझं मित्रांमध्ये मराठी उतने दोस्त नाही थे मराठी में, लेकिन मुझे मराठी भाषा से बहुत प्यार है. मुझे लगता है कि अवघड आहे, कठीण आहे, परंतु फारच एक एक शब्द मराठीचं फारच स्पष्ट होतं. काय गोंधळ नाही होता, हे शब्द काय, ते शब्द काय, त्याचं प्रामाणिक लँग्वेज आहे मराठी, मला असं वाटतंय. तो उसमें हाँ उन्होंने जो गाना लिखा है, त्यांनी जे गाणं लिहिलंय, अदरवाइज तुम्ही पाहाल की ते नॉन महाराष्ट्रीयन किंवा असतील सिंगर, तर ते काय करतात की ते इंग्लिश मध्ये लिहून घेतात. तुम्ही आताही पाहिलं तर त्यांनी ते मराठी मध्ये गाणं लिहिलेलं आहे आणि देन मग ते वाचलेले आहे. ते बघा, मला मराठी येतं स्पष्टपणे. मला स्कूल मध्ये इंग्लिश से जाता मध्ये मराठी में पॉइंट्स मिलते थे. मैं थोड़ा चीटिंग करता था, वो अलग बात है. वो मराठी में जो से छह क्वेश्चंस होते थे ना, उनमें से आंसर एनी फोर. तो पहला मैं चार प्रश्नांचं उत्तर देता आणि एंड में टाइम रहता ना, तो बाकी के दो का भी उत्तर दे देता. और माझा उल्का भाई होती, त्यांना असा ते उतना चेक नाही करती ती, की अरे पहिले तो चार ऑलरेडी दे दिया. तो 108 पर मेरा पेपर होता था मराठी मध्ये.